बीजा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यूनिवर्सिटी कैंपस में मिली नवविवाहिता जोड़ी की लाश, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पश्चिम बंगाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नवविवाहित जोड़ी मृत्यु पाया गया। ये घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को सामने आई है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि शुक्रवार की रात नवविवाहिता जोड़े का शव टीना भवन के पास मिला, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के चीनी भाषा डिपार्टमेंट और संस्कृति विभाग को आमतौर पर चीनी भवन के रूप में जाना जाता है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान 18 वर्षीय सोमनाथ हमुत और 19 वर्षीय अवंतिका के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों मृतक बोलपुर के श्रीनंद हाई स्कूल के छात्र थे और दोनों ने कुछ दिन पहले ही शादी की थी। कथित तौर पर सोमनाथ इस साल उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था और अवंतिका कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुई थी। यौन उत्पीड़न मामला। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, महिला की अनुपस्थिति में जांच ठीक नहीं, एससी की छवि को लगेगा धक्का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच को लेकर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मांग की है कि इस मामले की जांच महिला की उपस्थिति के बिना ना की जाए। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मी ने जांच कर रही आंतरिक समिति के माहौल को बहुत डरावना बताया था और समिति के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया था। जानकारी के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस आर नरीमन ने शुक्रवार शाम को जांच समिति से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों जजों ने जांच समिति के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की। हालांकि जस्टिस आर अगर नरीमन वरिष्ठता के क्रम में पांचवें स्थान पर है और कॉलेजियन की मौजूदा सदस्य है, वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ वरिष्ठता क्रम में 10वें नंबर पर है। 2022 से लेकर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश बनने की लिस्ट में शामिल है। तो एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।